पॉजिटिव होम्योपैथी, उनका भी योगदान बहुत ही अच्छा और अनोखा। हर एक छक्का अगर इस मैच में लगेगा उसके लिए 10,000 रुपए हृदय फाउंडेशन को देंगे। और यहाँ पर वेंकटेश मौजूद है अपनी टीम का समर्थन करते हुए, बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं, फॉर्मर कैप्टन है तेलुगु वॉरियर्स के, बड़ा जज्बा रखते हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी वाले अदाकार हैं और खिलाड़ी भी हैं। किस तरह से कल तेलुगु वॉरियर्स को एक एक बॉल पे उन्होंने दिल से सपोर्ट किया और कितने खुश थे शाम को कि पहला फाइनल तेलुगु वॉरियर्स आज खेल रही है। अतुल, गेंदबाजी देखकर आप भी खुश हो रहे, सीम पर पड़ रही है, हल्की सी बाहर जा रही है गेंद, और ये एक गेंदबाजी के स्तर में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो लाजवाब लगा है, खास तौर से नॉकआउट स्टेज में। कल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, उससे पहले इस टूर्नामेंट में उस तरह की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली थी। मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में है विक्रांत, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और थोड़ा सा बैकफुट पर डाले तेलुगु वॉरियर्स को, हालांकि एक विकेट चला गया पर वो शॉट हाफ हार्टेड शॉट था, उसमें सोच कम और विश्वास भी कम था। इस गेंदबाज को अगर आप, ओह मिस फील हो गया, चलिए स्ट्राइक तो बदली, पर मैं कहता हूं कि अगर इस पेस पे विकेट कीपर पीछे खड़ा है और आप क्रीज में खड़े खड़े खेल रहे हैं इतनी धीमी बॉल को, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गेंदबाज का। उसके पास यॉर्कर नहीं है, बाउंसर नहीं है और कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है, वो ऑन द स्पॉट करने वाला गेंदबाज है और उसकी आप रिदम बगाड़ेंगे नहीं, और जब तक विकेट कीपर ऊपर आए आप आगे आके मिड ऑफ मिड ऑन क्लियर करना है सिर्फ, और बड़ा शॉट नहीं मारना उसमें। बिल्कुल बी में खेलने की आवश्यकता है यहाँ पर इस विकेट पर, और वहां पर आड़े बैट से खेला था और इसी के कारण संपर्क भी नहीं हुआ, तो उस कारण पहला झटका लगा था चेन्नई की टीम को रमना के रूप में। लेकिन यहाँ बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, फिर से बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, दोनों छोर से बढ़िया गेंदबाजी। तीसरा ओवर चल रहा है और केवल 6 रन आए अब तक और एक विकेट भी गंवा चुकी है चेन्नई की टीम। कप्तान ने आज टॉस जीता था और सबको प्रेरित करते हुए, उत्साहित करते हुए, बहुत ही ऐतिहासिक मैच उनके लिए, पहली बार मौका है उनके पास CCL टूर्नामेंट जीतने का। 3 ओवर के बाद 6 ब्रेक। बार देखते हैं विक्रांत और विष्णु का कैसा प्रदर्शन रहा है, दोनों ने 195 रन बनाए 5 मैचेस में और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही अपनी टीम के लिए स्तंभ रहे इस सत्र के CCL में, और काफी हद तक चेन्नई की टीम इन दोनों पर निर्भर करती है। और यहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक साझेदारी करनी होगी ताकि एक बड़ा लक्ष्य तैनात कर सके तेलुगु वॉरियर्स के लिए। मुझे लगता है कि जाल में फंसते चले जा रहे हैं चेन्नई राइनोस, और अगर कोचिज हैं आपके पास, दो दो मिनट में कोई ना कोई अंदर आता है कुछ लेके, तो आप बाहर से देख के ज़्यादा कई बार एसेस कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं, कई बार जब आप अंदर खुद खेल रहे होते हैं तो आप मिस कर जाते हैं एक दो ट्रिक्स, और जो बाहर से देख रहा होता है वो उसको वो इमिजिएटली मैसेज भेजे कि विकेट कीपर अगर पीछे खड़ा है और आप इस पेस को आगे आके नहीं खेलेंगे तो ये 2-4 ओवर ऐसे निकल जाएंगे। फिर से वहां पर हमने देखा गति कुछ खास नहीं है अतुल, और स्विंग भी हो रही है थोड़ी बहुत, और जैसा आपने कहा कि थोड़ा अगर क्रीज के बाहर खड़े होते हैं तो शायद उन्हें आसानी से ड्राइव लगेंगी और अपने शॉट्स भी लगेंगे, क्योंकि 36 गेंदे हैं पावर प्ले की और आपने ऐसे डिफेंस करके अगर वेस्ट कर दी तो उसके बाद तो फील्ड खुल जानी है और फिर रेस्ट लेने का फायदा नहीं है।
थोड़ी सी छोटी गेंद और भरपूर फायदा इसका, पहला चौका इस पारी का। 160 ने जड़ डाला है एक बहुत ही बढ़िया चौका। थोड़ी छोटी थी और बड़ी जल्दी समझ लिया था लेंथ को, और सही निर्णय, सही चुनाव शॉट का, बिल्कुल डेप्थ जो थी क्रीज की उसका पूरा इस्तेमाल किया और शॉर्ट आर्म पुल सा किया क्योंकि इतना समय नहीं था। ओ चिपक जाती है ऐसी कैच कई बार, और अगर आपने स्लैश करना है तो हार्ड स्लैश करना, हाफ हार्टेड मेजर नहीं होना चाहिए। व्हेन यू स्लैश स्लैश हार्ड, यहां पर जोर से ही स्लैश किया था लेकिन एक जीवन दान मिला फिर से, और ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। कुछ ही देर पहले हमने देखा था विष्णु के आंकड़े कैसे, कितने और कितने असरदार रहे इस टूर्नामेंट पर, यहाँ पर एक रन मिला तो ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। अतुल विष्णु थोड़ा से टेंटेटिव लग रहे हैं मुझे, चलो अब मौका मिला है तो शायद ये सोचे कि अब नथिंग टू लूज है और मैं ये कुछ पावर प्लेस का फायदा उठाऊं। एक आधा बीच में ऐसा फ्लोटिंग खिलाड़ी होना चाहिए मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में, जैसे विक्रांत फॉर्म में है और नंबर चार पे आपके पास खिलाड़ी है, तो बीच में एक ऐसा फ्लोटर भेजें जो कि विद द लाइसेंस टू किल, अगर आप आउट हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत रेयरली दिमाग 10 की 10 विकेट इस्तेमाल में लाई जाती हैं T20 में। जी हाँ, यहाँ पर शफल करके मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए, एक रन मिला। चार ओवर के बाद 13 पर 1, चार ओवर के बाद 13 पर 1 चेन्नई राइनोज। और एक बार देख लेते हैं, विष्णु ने 200 रन पूरे किए और एकदम शीर्ष पर पहुंच गए हैं, इस साल के हाईएस्ट स्कोरर बन गए हैं विष्णु, और उनके पीछे है 198 पर प्रिंस, विक्रांत भी ज़्यादा दूर नहीं 197 पर।